या फिर थ्योरी सब्जेक्ट को रीड करते टाइम आपको नींद आनी शुरू हो जाती है या फिर वो बोरिंग लगता है। अगर आप भी इन सब परेशानियों से परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को लर्न कर सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू रिमेम्बर थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फंड में। मैं हूँ आपकी दोस्त सपना। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे को थ्योरी सब्जेक्ट याद नहीं रहता या फिर उसे भूल जाता है। लेकिन क्या ये सच है कि स्टूडेंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट याद नहीं होता या फिर भूल जाते हैं? क्या ये बात सच है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब आप कोई फिल्म देखते हो, कोई सॉन्ग सुनते हो, कोई टीवी सीरियल देखते हो, तो उसके सारे एपिसोड्स, उसके डायलॉग्स, उसके सॉन्ग्स के लिरिक्स आपको याद होते हैं। चाहे आपने एक बार वो सॉन्ग सुना हो, लेकिन आपको कुछ कुछ हिस्सा याद रहता है। इसमें किसने इसको गाया है, इसके लिरिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किस वे में गाया, उसमें पिक्चर्स कौन कौन सी यूज की हुई है, आपको काफी चीजें उस टाइम पे याद हो जाती हैं। और सेम आपको जब आप फिल्म देखते हो तब भी आपको याद रहता है, आप जब गेम खेलते हो तब भी आपको पता होता है कि हमें किस तरह का जाना है, किस तरह से प्ले करना है, किस तरह किसको मात देनी है, सब आपको याद होता है। तो फिर क्या कारण है इसका कि आपको लर्न किया हुआ भूल जाता है? ये तो सोचने की बात है, लेकिन आपको क्यों भूल जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप स्टडी करते हो तब आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपनी बुक्स पर, अपनी रीडिंग पर नहीं देते। आप अपना ध्यान इधर उधर रखते हो जिसके कारण आपका रीड नहीं होता या आपका ध्यान नहीं लगता। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप अपने जो सब्जेक्ट को रीड कर रहे हो उसे अच्छे तरीके के साथ अरेंज नहीं करते, उसके नोट्स प्रिपेयर नहीं करते, उसके पॉइंट्स को नोट्स नहीं करते। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी स्टडी करोगे तो आपको कभी भी लर्न किया हुआ, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, कभी आपको नहीं भूलेगा। नंबर वन में मैं बात करूंगी विजुअलाइजेशन की। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको फिल्म, सॉन्ग, टीवी सीरियल के सारे पिक्चर्स, सारे मोमेंट्स याद होते हैं। वो कैसे याद होते हैं? वो ऐसे याद होते हैं क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है वो किसके थ्रू दिखाया जाता है? पिक्चर्स के थ्रू, जिसके कारण आपका इंटरेस्ट बनता है। लेकिन जब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एक आध पिक्चर दे देते हैं, बाकी तो सारा लिखा हुआ है, उसे पढ़ो, है ना। जिसके कारण आपको वो बोरिंग लगने लगता है, थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, वो रीड कितना करते रहेंगे। ऑब्वियसली अगर हम वैसे भी रीड करें तो हमें वो बोरिंग लगेगा, जब तक हम इंटरेस्टिंग पिक्चर्स नहीं देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें नहीं देखेंगे उसमें, तो हमें वो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो अगर थ्योरी सब्जेक्ट में कोई पिक्चर नहीं है तो आप तो उसे क्रिएट कर सकते हो। आप उस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को आप रीड कर रहे हो, उसे आप विजुअलाइजेशन यानी कि पिक्चर की तरह उसे क्रिएट करो। जब आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को पिक्चर में कन्वर्ट करके लर्न करते हो ना, तब वो आपको डेफिनेटली याद होगा। क्योंकि सॉन्ग आपको याद हो गया, फिल्म आपको याद होगी, टीवी सीरियल याद होगी, गेम का आपको पता है, सब चीजों का पता है, लेकिन जब स्टडी आती है तब आप भूल जाते हो। तो यही कारण है कि आप अपने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी थ्योरी आप पढ़ने वाले हो, जो भी आपको लर्न करना है, उसे आप पिक्चर में कन्वर्ट करके लर्न करो, तो डेफिनेटली वो आपको याद होगा। जब हम छोटे होते थे तो हमें बुक्स कैसी लगती थी? पिक्चर्स वाली। कोई भी चीज होती थी उसमें हमें पिक्चर के साथ दिखाया जाता था कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, पिक्चर के साथ हमें उस चीज के बारे में बताया जाता था, तो हमारा इंटरेस्ट बनता था, हमें वो चीजें याद है और अभी तक याद है। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, अभी तक हमें याद है। वो किस तरह से याद है? पिक्चर्स के कारण ही याद है। चाहे हमें उसकी वर्डिंग भूल गई हो, लेकिन पिक्चर तो याद रहती है, पिक्चर के कारण वर्ड भी याद आ जाता है। तो उसी तरह से जब आप थ्योरी सब्जेक्ट को रीड करते हो तो उस केस में आप पिक्चर्स के साथ
उसे रीड करो, जिसे आपको जल्दी से याद होगा और आपको भूलेगा भी नहीं। सेकंड मेरा पॉइंट है डिस्कशन। अगर आपको कोई टॉपिक बोरिंग लगता है या कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, तो उस केस में आप उस सब्जेक्ट या फिर उस टॉपिक के लिए डिस्कशन शुरू कर दो। आपके घर में आपकी सिस्टर होती है, मदर होती है, फादर होता है, कोई ना कोई तो अवेलेबल होता ही है। जब आप स्टडी करते हो तो आप किसी के साथ भी उस बात के बारे में, उस टॉपिक के बारे में चर्चा शुरू कर दो। इससे क्या होगा, नए नए पॉइंट्स आएंगे, आपको चीजें याद होंगी, आपके दिमाग को ऐसा होगी नहीं मैं आगे रीड करता हूँ, शायद मुझको अच्छा सा पॉइंट मिल जाए, उसकी ज्यादा जानकारी मिल जाए, ताकि मैं उनको डिस्कशन में बता सकूँ, उसके साथ डिबेट कर सकूँ, उसके साथ मैं डिस्कशन कर सकूँ। तो ऐसे आपके माइंड में ना थोड़ी हलचल शुरू हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है, आपको वो चीज लर्न होने लगती है, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे या फिर कहीं भी जाओगे तो आपको याद होगा कि ये चीज मैंने वहां पे डिस्कस की हुई है, तो वो मुझे याद है। वो एक तरह की पिक्चर आपके दिमाग में छप जाती है। मेन सारा काम होता है पिक्चर का। अगर आपके दिमाग में उस चीज की पिक्चर स्टोर हो गई ना, तो वो आपको याद रहेगा। अगर वो पिक्चर ही नहीं स्टोर है, उसका कोई है ही नहीं आता पता आपके माइंड में, तो वो चीज आपको कभी याद नहीं होगी। क्लियर? तो सबसे पहले आपको माइंड सेट करना है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको किसी ना किसी तरीके के साथ उसको कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि हाँ भी बुक है, उसमें जो लिखा है रीड करी जाओ, उसको कोई मतलब कि कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ कि हाँ उसको अंडरलाइन करना है, कोई मेन पॉइंट है या कुछ है, कुछ नहीं, बस रीड करी जाओ। वो आपको कभी याद नहीं होगा, वो सारा होच-पोच हो जाता है, उसके कारण आपको सब भूल जाता है। यही एक मेन कारण है कि आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो, चाहे सब्जेक्ट आप भूल जाते हो। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो जरूर याद होगा, और डिस्कशन जरूर करो किसी भी चीज के लिए। अगर आप कोई टॉपिक रीड कर रहे हो तो उसके लिए डिस्कशन करो, इससे आपको तो नॉलेज मिलेगी मिलेगी, जिसके साथ आप डिस्कशन शुरू कर रहे हो उससे भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, नंबर 3 पे मैं बात करूंगी रीड बुक कंटिन्यूसली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई बुक रीड करने लगे हो तो ऐसा कभी मत करना कि पहला चैप्टर पढ़ा, हाफ पढ़ा, छोड़ दिया, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लगने लगा, आपने सोचा कि चलो दूसरा स्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर शुरू कर देती हूँ, है ना, वो आधा छोड़ दिया दूसरा शुरू कर दिया। ऐसे कभी मत करना। आप जब भी कोई बुक रीड करते हो तो उसे कंप्लीट करो, पूरा रीड करो। इससे क्या होगा, जब आप कोई पूरी पढ़ते हो, चाहे उसके लिए आपको 1 वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, या फिर 1 मंथ पूरा लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस बुक को पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, चाहे आप 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप अगला दिन शुरू करोगे तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पे आपने छोड़ा है। क्लियर? तो इससे क्या होगा, जब आप किसी भी बुक को कंटिन्यूअसली पढ़ लोगे, पूरी पढ़ लोगे, तो उसे आपके छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होंगे या कुछ तो पढ़ा होगा ऐसा जो आपके माइंड में फील हो जाएगा। क्लियर? जो फील हो जाएगा जब आप दोबारा से रीडिंग करते हो, जब आपको कभी भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये मैंने पढ़ा हुआ पहले, नहीं ये मैंने पहले भी रीड किया हुआ, ये पॉइंट मुझे आता है। आपको काफी सारी चीजें ऐसे रिमाइंड होने शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे तो भाई याद होता है, चीजें याद होती है, कमी किसमें है, आपके पढ़ने के तरीके में। क्लियर? तो तरीका चेंज करो पढ़ाई का, तो आपको जरूर लर्न होगा, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो प्रैक्टिकल है। क्लियर? तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है ब्रेक। जब भी आप स्टूडेंट स्टडी करते हो, मुझे पता है कि जब भी कोई स्टूडेंट स्टडी करता है वो बीच में ब्रेक लेता है, लेकिन लेता पता कितने की है, 1/2 आवर की, 15 मिनट की होगी, 20 मिनट की होगी, कई कई तो घंटा भर दिखाई नहीं देते, भी पढ़ना भी है दोबारा से हमने, या हम पढ़ रहे थे भूल जाते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हो। ये बहुत ही गलत बात है जब आप स्टडी करते हो। जब भी आप स्टडी करते हो तब आप स्टडी के बाद 25 मिनट स्टडी की, 5 मिनट ब्रेक लो, 5 मिनट के बाद आप फिर से स्टडी करो, फिर से 5 मिनट की ब्रेक लो, जब आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो। क्लियर? ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में ऐसे करते रहो, खाने पीने का भी छोड़ दो, 5 मिनट में खाना नहीं खा सकते आप, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पे, ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक जरूर लो। इससे क्या होगा,
आपने 25 रीडिंग याद किया, वो आपका 5 मिनट में स्टोर होने में टाइम लेगा, वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, फिर आप अगला जो है वो रीड कर सकते हो और वो भी आपके माइंड में स्टोर होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपके माइंड को थोड़ा सा तो रेस्ट दो। जब आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाओगे, सब्जेक्ट को याद करते रहोगे, एक पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, हाँ हो गया, बाद में पता क्या होगा, बाद में आपको सब भूल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका सब्जेक्ट मैंने रीड किया है, ये किसका टॉपिक इसमें ऐड कर दिया मैंने, ऐसे हो जाता है, अक्सर हो जाता है ऐसे। तो जब भी आप रीडिंग करते हो, जब भी कुछ लर्न करते हो, तो ब्रेक जरूर लें, और उस ब्रेक में टीवी ना देखें, मोबाइल ना चलाएं, स्लीप करें, 2 मिनट की रेस्ट करें। ठीक है, जब आप रेस्ट करोगे ना, तो वो आपके माइंड को रिलैक्स देगा, जो भी आपने पढ़ा होगा ना वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, वो आपके दिमाग में ना यह छप जाएगा। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में स्टोर ही हो गया, तो वो क्या हो गया, वो लर्न हो गया, आपको वो नहीं भूलेगा। जब आप कोई चीज देखते हो ना, तो वो आपको झट से याद आता है, नहीं नहीं ये मैंने याद किया हुआ है ना। तो इसलिए जब आप रीडिंग करते हो तो ब्रेक जरूर लो। लास्ट मेरा पॉइंट है, प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स। मुझे पता है कि जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को रीड करते हो, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली लिखा होता है, कई बार डायग्राम्स भी होते हैं, पॉइंट्स में भी लिखा होता है, तो आप क्या करते हो, उसको रीड करते हो। ठीक है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से नोट नहीं बना पाते। तो सबसे पहले आपको उसके प्रिपेयर करने होंगे नोट्स। किस तरह से करने होंगे, सबसे पहले आपको जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो नेम है, मेन मेन पॉइंट होते हैं, जो कि जैसे नेम हो गया, किसी का बर्थ डेट हो गई, नंबर्स हो गए, ये चीज मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करो, इसको हाईलाइट करो, ताकि जब भी जैसे ही आप पढ़ो, साथ में आपकी नजर चले जाए कि नहीं ये चीज इसमें ये है, आपको खास चीजें पता चल जाती है। सारा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आप वो खास चीज पढ़ लो, ठीक है, उसको अंडरलाइन करते रहो साथ साथ में। इससे आपको जब भी आप बुक खोलोगे, आपको पता है ये चीजें मेन है इसमें, ये जो हम पहला पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपर नोट्स को क्रिएट करें। सेकेंड पॉइंट है इसमें बुलेट्स या फिर नंबर्स का यूज करें। जब भी आप कोई रीडिंग करते हो, तो आप नोट्स बनाते हो, तो उस टाइम पे नंबर्स का यूज करें, बुलेट्स में पॉइंट्स को लिखें, हेडलाइन जो भी उसकी हेडिंग्स होती है, टाइटल्स होते हैं, उसको हाईलाइट करके लिखें, उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि जब आप अपनी रीडिंग करना शुरू करो, जब आप लर्न करना शुरू करो, तो आपको वो देखने में अच्छा लगे, जब वो अट्रैक्टिव लगेगा तभी वो याद होगा, जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तभी आपको वो याद होगा, आपने नोट्स अच्छे बनाए होंगे तो आपको लर्न करने में भी बड़ा मजा आएगा। क्लियर, तो इसलिए आप नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें कि जो पॉइंट्स हैं उसे आप नंबर या बुलेट्स की तरह या लिस्ट की तरह तैयार करें। नंबर टू, जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करें। ठीक है, नंबर थ्री, जब आपको कोई ऐसे पॉइंट्स वाली चीज आ गई, जिसकी टाइप्स आ गई, तो उसको आप डायग्राम के थ्रू शो करें। जब आप डायग्राम का इस्तेमाल करते हो, तब आपको वो चीज बड़ी जल्दी याद हो जाती है, नहीं इसकी टाइप्स हैं, इस तरह की टाइप्स ही मैंने इसको इस तरह से डायग्राम में शो कर दिया। ठीक है, उससे आपकी लर्न तो आपको हो ही जाएगा, और साथ में आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। ठीक है, इससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि नहीं इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी रही, इसको याद अच्छा होगा। ठीक है, इसको इसने याद अच्छे तरीके से किया, इसने प्रेजेंटेशन अच्छी ली है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप नोट्स को प्रिपेयर करो, तो इन बात को जरूर ध्यान रखें, बुलेट्स का यूज करें, हेडिंग को, टाइटल को, और उसमें जो डायग्राम्स यूज होते हैं, इन सब के प्रॉपर नोट्स को क्रिएट करें। ठीक है, अगर नहीं भी है बुक में, तो आप खुद के क्रिएट करें, खुद के पॉइंट्स बनाएं। क्लियर, तो इससे भी आपको वो चीजें बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट लर्न नहीं होते, क्लियर, आप इसे एक बार आजमा के देखिए, ट्राई करके देखिए, जरूर आपको ये याद होगा। क्लियर, तो अगर आपको ये